पूछो उससे, ये क्या हरकत है? अपने बाप को ब्लॉक कर दिया, शर्म नहीं आई उसे? पता नहीं जी, आज से पहले तो उसने कभी ऐसा नहीं किया। फरार का शायद ये नया रास्ता सीख कर आया। तुम मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? फोन करो उसे। देखिए डैड, ये आपका और उसका बहुत पर्सनल मैटर है। मुझे नहीं लगता कि मुझे इस बारे में उसे कुछ भी पूछना चाहिए, सो प्लीज। पर्सनल मैटर है, पर्सनल मैटर तो लड़की वाला भी था, लेकिन उसमें तो तुम आगे आगे थे। हाँ, मैंने तुमसे उस वक्त पूछा नहीं, लेकिन इसका यह मतलब हरगिज नहीं है कि मुझे सालार की बात समझ नहीं आई। कौन सी बात? सालार को ऐसा क्यों लगा था कि लड़की वाली बात तुम मुझे बता चुके हो? डैड, वो एक्चुअली खुदाया, अब इस जहरा को मैं क्या क्या कहूंगा? मिलाओ ना फोन उसको। देखिए, मैं इस मामले में ना तो सालार का साथ दे सकता हूं, ना उसके खिलाफ जा सकता। इसलिए प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड, आप मुझे इससे दूर ही रखें। ठीक है, फिर तुम भी अपने आप को इस मामले से दूर रखना। कुछ भी हो जाए, उसकी शादी मैं वहां नहीं करूंगा। और अगर तुम्हारी उससे बात हो तो ये भी कह देना कि मैं हरगिज उसका रिश्ता लेकर उस घर में नहीं जाऊंगी। अव्वल तो वो अकेला जाएगा नहीं, और अगर गया तो जो जो उसके साथ जाएगा उससे हमारा सारी जिंदगी कोई ताल्लुक नहीं रहेगा। चलो बेटा, बीवी तुम्हारी अकेली है घर पे, गो जी। वील सेटल, खुदा हाफिज़।